रामपुर में जानलेवा जापानी बुखार के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य माध्यमों से अपील करा रहा है। जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस वायरस से फैलता है, घातक वायरस जैसे बच्चों में अत्यधिक मौत हो जाती है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं। जिले को इससे सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता के लिए 22 अगस्त से जिले में अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। अभियान सबसे पहले स्कूलों में चलाया जाएगा। 7 लाख से अधिक बच्चों को इसकी एंटीडोज दी जाएगी ताकि भविष्य में इसके घातक प्रकोप से बचा जा सके। तहसील और ब्लॉक स्तर पर रैली और मीटिंग कर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीएमओ एसपी सिंह ने बताया कि जिले में 22 अगस्त से अभियान शुरू कर दिया गया है। जिले में 1 से लेकर 15 वर्ष तक के 7,83,000 बच्चों में यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले स्कूल को कवर किया जाएगा, उसके बाद मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कवर किया जाएगा। मैं फरहत अली खान, अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आपके सामने हाथ जोड़ करके इल्तिजा और निवेदन करने आया हूँ कि जो वैक्सीन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से स्कूलों में दी जा रही है, वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी के लिए वो वैक्सीन लगाई जा रही है। आसपास के जिलों में पता चला है कि वो लाइलाज बीमारी है जो 15 साल तक के आयु के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और हमारे काजी शरा, काजी शहर और हमारे तमाम आला अधिकारियों ने इस पर आपसे निवेदन कराया। मैं भी हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, निवेदन इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जो अपने नौनिहालों से करते हैं प्यार, वो वैक्सीन से नहीं करेंगे इनकार, और किसी के भ्रम फैलाने में ना आए। लोग अफवाह फैला रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि किसी एक स्कूल में कुछ पेरेंट्स ने जाके हंगामा खड़ा किया। ये गैरकानूनी है हंगामा खड़ा करना। और वहाँ उसी स्कूल में मेरी दोनों बेटियाँ पढ़ती हैं, दोनों बेटियों ने वैक्सीन ली जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, हिफाजत से हैं। आप भी अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर दिलाएं, जिला प्रशासन का सहयोग करें, उत्तर प्रदेश का सहयोग करें और जो स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सहयोग करें। तो फिर से मैं कहूँगा कि जो अपने बच्चों से करते हैं बेहद प्यार, वो वैक्सीन से नहीं करेंगे इनकार। मैं सीएमओ रामपुर डॉक्टर एसपी सिंह बोल रहा हूँ। नेशनल पब्लिक स्कूल का कुछ एक पेरेंट्स का वीडियो आ रहा है कि हमारे बच्चे को जेई वैक्सीन लगने के बाद में बच्चा बेहोश हो गया और इस तरह की सूचनाएं जो है आ रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, ये वैक्सीन जेई वैक्सीन टोटली सुरक्षित है, पूरी तरह से WHO द्वारा प्रमाणित है और प्रदेश के 42 जनपदों में वैक्सीन इस समय लगाई जा रही है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कहीं पर भी हमने जनपद में कल 42,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई है और DMA में भी हमने अपनी उपस्थिति में, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में, 2,000 से ज्यादा बच्चों को लगाई है। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से कुछ बच्चों को घबराहट जैसे इंजेक्शन से हो जाती है, इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन कोई भी और इसके अलावा कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई इससे कोई बीमार नहीं हो रहा बच्चा। ये खबरें भ्रामक हैं जिनका कोई इससे लेना देना। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस, एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।